हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं इग्निशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि ESP32 बोर्ड को आर्डिनो आईडीई में कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आर्डिनो आईडीई ओपन करना है और उसके बाद में जो आपको मेन्यू बार में फर्स्ट ऑप्शन दिखता है फाइल्स का, उसमें जाना है और फाइल्स में आपको सेलेक्ट करना है प्रेफरेंसेस, और उसमें जाकर आपको बाकी सारे ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट छोड़ने, बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs, यहाँ पर जाके और आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो URL है उसको पेस्ट कर देना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद में आपको ओके कर देना है इसको। ओके, और अब टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड और उसमें बोर्ड मैनेजर में जाना है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है ESP32। तो यह आपको ये आ गया है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका जो है बोर्ड इंस्टॉल हो गया है ESP32। अब इसको क्लोज करना है और अब जैसे ही आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे वापस और यहाँ पे बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा आर्डिनो AVR बोर्ड्स और ESP32 बोर्ड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।